और अगली खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के शहीद बाबा पुरवा समगरा से है, जहां पर कांध उखाड़ने के विवाद में महिला ने जब विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट की गई। महिला ने इकौना थाने में पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के शहीद बाबा पुरवा समगरा से है, जहां की निवासी महिला श्यामलली पत्नी लालमन पासवान ने बताया कि विपक्षी ने उसका कांध उखाड़ लिया था। जब इसका महिला ने विरोध किया तो महिला के साथ विपक्षी ने मारपीट की, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं। ऐसे में महिला ने इकौना थाने में पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने महिला का परीक्षण कर महिला की डॉक्टरी रिपोर्ट से पुलिस को अवगत कराया। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र का मामला। तेज बोलो। गाँव क्या मारा है? काहे करते के बगल में कंडौरा लाग रहा, उसके कंडौरा के दारे कांध पे रहे, कांध हमारे उखाड़ को जाने कही है बहाय दी, तो आज देखे हम तो कहते हम लड़े ना कहन को कि क्या हाथे गोड़ भैया परिया कंधा उखाड़ बह दिन मोड़े लाग रहा। बस ते कहते उनके बिटिया बर्तन मांगे तो बल लड़े लाग, तो उनका महतारी आए वो गरियावे लाग सबका। उसके बाद में उनका परिवार आवा, बस ठाढ़ा लाग रहा, ठाढ़ा उजार बहाय दीन, टटिया उजार बहाय दीन। तब जब हम बोले हमारे उखाड़ था तो अपना उजार बहाओ, बस हमें उठा ली वहाँ ठाड़ा बहु उठाई मारे लागे, तीन खंड के ठाड़ा भवा मारी। कई जने मिलके मारी? अकेले मारी यहाँ से भाग गए उनके महतारी, वो निहारू बिटिया अलग हो गई। मतलब तो हर कान उखाए ना के मना किया तो वही कहते मारी। हाँ,